नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चंपावत जनपद के टनकपुर शारदा घाट पर नवरात्र के अवसर पर मां पूरागिरी के दर्शनों को आए दो तीर्थ यात्रियों को दो अलग अलग घटनाओं के समय मौके पर मौजूद जल पुलिस के जवानों द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया। मां पूरागिरी धाम में शारदीय नवरात्रि मेले का शुभारंभ हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शनों को पहुँच रहे हैं। ऐसे ही तीर्थयात्री जब शारदा घाट पर स्नान करने पहुँच रहे हैं तो तेज बहाव के चलते नदी में बह जा रहे हैं। घटना के समय परिजनों के चिल्लाने की आवाज पर शारदा घाट पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए नदी की तेज बहाव से दोनों तीर्थयात्रियों को सकुशल बचा लिया। पुलिस द्वारा तत्काल चलाए गए राहत बचाव कार्य के चलते तीर्थयात्रियों की जान बच सकी। न्यूज 9 भारत के लिए पार्वती देवी की रिपोर्ट। काफी संख्या में यात्री पहुँच रहे हैं पूर्णागिरी धाम के लिए दर्शन करने के लिए, और काफ़ी यात्री स्नान करने के लिए शारदा घाट में पहुँच रहे हैं। और जो आज दो लड़के हमने डूबते बचाए हैं, एक बाराबंकी का है कंडक्टर, एक हरदोई का यात्री है, जो कोना के दर्शन करने के बाद यहाँ नहाए तो तेज बहाव में बहने लगे। हमने जो हमारे द्वारा जल पुलिस के द्वारा वो बाहर निकाले गए हैं, बचा दिए गए हैं।